नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सोनू के बारे में, वायरल सोनू के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से कहने की राजनीतिक पार्टियों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनू के पास पहुँच रहे हैं। बिहार की मीडिया में सोनू कुमार खूब सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। एक तरफ से कहें कि बिहार के साथ साथ देश के बड़े टीवी चैनलों के साथ वेबसाइट की दुनिया में सोनू कुमार का नाम है। सोनू कुमार को हर कोई अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने सोनू कुमार के जीवन भर का खर्च भी उठाने का भरोसा दिया है। आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आखिर यह बोल क्या रहा है, सोनू कुमार, सोनू कुमार। तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं सोनू कुमार के बारे में, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम की मीडिया में छाया हुआ है। सीएम नीतीश कुमार 14 मई को अपनी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर नालंदा के कल्याण बीघा पहुंचे थे। इस दौरान वे स्थानीय लोगों से समस्याओं को भी सुन रहे थे। इसी दौरान हरनौत प्रखंड के नीमा कोल में रहने वाले रणविजय यादव के बेटे सोनू कुमार ने हाथ जोड़कर सीएम नीतीश कुमार से कहा कि एक बार हमारी बात सुनिए। छोटा बच्चा जब सीएम से आग्रह कर रहा था तो सीएम नीतीश कुमार रुक गए। तब सोनू कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से अपनी पीड़ा बताई, जिसमें सोनू कुमार ने बताया कि सर, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा परिवार हमें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सका। इस दौरान बच्चे ने यह भी बताया कि हमारे पिता बहुत शराब पीते हैं, ऐसे में हम सरकारी स्कूल में जाते हैं। यानी कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को दिखाते हुए कह रहा था कि हम जो है सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। इसके बाद ही सोनू कुमार का यह वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल होने लगा। आपको बता दें कि इस छोटे बच्चे की हिम्मत और इसकी मासूमियत को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम नीतीश कुमार से बात करते हुए सोनू ने साफ साफ कहा कि हमारे स्कूल में शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए हमें अच्छे स्कूल में पढ़ना है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मदद करने का आश्वासन भी दिया। सीएम नीतीश कुमार और सोनू के बीच के बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद कई लोग सोनू की मदद के लिए सामने आए। सोनू की मदद के लिए बॉलीवुड की अभिनेत्री गौहर खान सामने आई। गौहर खान ने सोनू की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कितना होनहार बच्चा है, मुझसे इसका संपर्क करवाएं, मैं इसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी, ये बच्चा शानदार है, उनके पास दूरदर्शिता है। सोनू की मदद करने वालों की लिस्ट में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का भी नाम है। सुशील कुमार मोदी ने सोनू की पढ़ाई से संबंधित हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैट्रिक परीक्षा पास होने तक उनके खाते में हर महीने 2000 रुपये की मदद करने की बात कही। इसके साथ साथ नवोदय स्कूल में दाखिला करवाने का भी भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सोनू एक होनहार छात्र है। वायरल सोनू के बात करने वालों की लिस्ट में एक नाम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का भी है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से सोनू से बात की। इस दौरान उन्होंने सोनू की खूब तारीफ की। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि हम तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। तेज प्रताप ने यह भी पूछा कि बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तो सोनू ने कहा कि IAS बनना चाहते हैं। तो तेज प्रताप ने कहा कि तुम मेरे अंडर में काम करना। उसके बाद सोनू ने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करने वाले हैं। सोनू के पास पहुंचने वाले नेताओं में एक नाम पप्पू यादव का भी है। पप्पू यादव भी सोनू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सोनू को 50,000 रुपये दिया, साथ ही ताउम्र मदद करने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि पप्पू यादव पटना में आई बाढ़ के समय लोगों की मदद के लिए सामने आए थे। उस दौरान उन्होंने लोगों के घर में जाकर खाना पहुंचाया था, साथ ही साथ चिकित्सीय सुविधा भी उन्हें दी थी। सोनू की मदद करने वालों की लिस्ट में बॉलीवुड से एक नाम और सामने आया, और यह नाम है सोनू सूद का। कोरोना काल के दौरान इन्होंने कई लोगों की मदद की थी। इस बार वायरल सोनू को लेकर कई ट्वीट किए गए, जिसके बाद सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। स्कूल का नाम है आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहटा पटना।
सोनू के घर पहुंचने वाले नामों में मिसेज इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाली किशनगंज की बबीता मिश्रा का भी नाम है। बबीता मिश्रा सोनू के घर पहुंची और उनके माता पिता से मिली, जिसके बाद उन्होंने हर संभव मदद की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बच्चा आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगा। आज भले ही सोनू कुमार को मदद करने वाले लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे ही सोनू कुमार हैं जिनके पास पैसे नहीं होने के कारण वे अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को एक बार सोचने की ज़रूरत है कि इस सोनू के मदद के लिए तो इतने लोग सामने आ गए। आप अपने आसपास के सोनू की मदद कीजिए ताकि हर सोनू को शिक्षा मिल सके और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपने जीवन को आगे बढ़ाए और देश का नाम रोशन करे। तो ऐसे में हम भी, यानी कि पूरी बिहारी न्यूज की टीम भी आपसे आग्रह करती है कि आपके आसपास अगर कोई सोनू कुमार हो या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन वो पढ़ने में सक्षम है तो आप हो सके तो उसकी मदद करें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।